ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं चर्चा की ओर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं खुशी शर्मा। आपको बता दूं खुशी के बारे में, तो खुशी ने हाल ही में बैंकॉक में आयोजित मुथाई इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर जयपुर का नाम रोशन किया है। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ हैं इनके कोच श्रीराम चौधरी। खुशी, आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने मुथाई इंटरनेशनल इवेंट ही क्यों चुना, और भी कई गेम हैं खेलने के लिए, केवल मुथाई इंटरनेशनल गेम ही क्यों? सबसे पहले तो मैं टाइकोंडो में गई थी, उसमें मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गई, तो मैंने मुए थाई ज्वाइन करा। तो उसमें पहले मेरे नेशनल गेम्स हुए, स्टेट और नेशनल खेलने के बाद इसके लिए सिलेक्शन हुआ, तो इसमें मेरी एंट्री हुई है। तो आपके किसने फोर्स किया, किससे इंस्पायर्ड होती हैं आपकी जो है इस मुथाई इंटरनेशनल जो इवेंट है इसमें आप आए? इंस्पायर सारी हेल्प तो सब जो सिखाया है सब तो सोर ने करा है, और इंस्पायर ऐसे सबसे पहली चीज़ तो मम्मा ने मुझे इसमें डाला, उनका बहुत सपोर्ट है, प्लस उन्होंने डाइट पे भी मेरे बहुत ध्यान दिया है, और प्रैक्टिस में और इन सब में सोर ने हेल्प करी है मेरी। श्रीराम जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये मुथाई जो इंटरनेशनल लेवल का गेम है क्या है, क्या है मुथाई? आत्मरक्षा तकनीक है या स्पोर्ट्स है, क्या है ये? कॉम्बैट स्पोर्ट्स है मुथाई। बेसिकली थाईलैंड के गेम है और थाईलैंड के नेशनल गेम है, जैसे अपने इंडिया का हॉकी होता है, हर कंट्री के अलग अलग नेशनल गेम होते हैं। देन हर गेम के हिसाब से थाईलैंड का भी नेशनल गेम है, और इसमें क्या होता है वर्ल्ड वाइज इसको कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं। और इसके अलावा इसके वर्ल्ड के कम से 204 कंट्री में इसकी खेला जा रहा है, और इसमें इंडिया में 1992 में इंडिया में अपनी इसको किया था, हमने लॉन्च किया था मुथाई गेम को, लेके आया था हमने इंडिया में। देन इसके बाद लगातार चल रहा था, और राजस्थान में शायद 6 साल हो गए मेरे को इसको, राजस्थान में मेरे को इसको गेम को लेके आने में। तो इसके बाद हमने 6 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट स्टेट कराता रहा, बट मौका नहीं मिला वहाँ तक इंटरनेशनल में बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि इतना टेक्निकल मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं था। अब 2-3 साल के अंदर मैंने टेक्निकल सपोर्ट किया इनको, फिर अभी ये खुशी है, भाविया है, दो बच्चे जो हैं इनमें से दोनों को हमने लगातार 2 साल से मैंने इनको कर रहा था टेक्निकली, वो चीज़ देख रहा था। फिर इसके बाद स्टेट, फिर इसके बाद नेशनल के लिए, नेशनल में बेहतरीन प्रदर्शन था दोनों का, गोल्ड थे। तो इसके बाद फिर वर्ल्ड लेवल के लिए हम एक सिलेक्शन कैंप हुआ था, तो उसमें दोनों का नाम मैंने सिलेक्शन किया था। तो सिलेक्शन के बाद दोनों को वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारे इंडिया से टीम थे, उसमें से 15 प्लेयर थे टोटल, सिलेक्शन करना था उनमें से। चलो श्रीराम जी, बात करते हैं कि ये अगर आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का गेम है, तो कराटे और जूडो और ताइक्वांडो से किस तरह से अलग है, या इन तीनों का मिला जुला रूप? ये सबका मार्शल आर्ट, सबका मिला जुला, मैं कराटे हो, ताइक्वांडो हो, किकबॉक्सिंग हो, सबका मार्शल आर्ट। इसको मतलब क्या जाता है वर्ल्ड वाइज कहा जाता है, इसको मुइथाई को किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स कहते हैं, किंग ऑफ मार्शल आर्ट मार्शल आर्ट्स का राजा कहते हैं इसको, इसीलिए राजा कहते हैं। इसमें कहीं भी आप अटैक कर सकते हो, जैसे अपन रोड पर जाते हैं कहीं भी अपन कैसे भी मारना है आप एक दूसरे को, तो डेट्स लाइक सेम वही थिंकिंग है इसमें, आपको कैसे भी सामने वाले को प्रतिद्वंदी को मारना है, आपको हार नहीं मारना है। क्यों कराटे क्या होता है, आप एज ए रिंग फाइट आप कैसे भी आप खेल लिया, टच करके वापस आना है वो करना है, इसमें कोई टचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, आप फुल कॉन्टेक्ट से मारना है सामने वाले को जब तक वो हार नहीं मारे। अच्छा, ये भी दो तरह कैसे होता है, एक ओलंपिक गेम की तरह होता है और एक होता है एज ए प्रोफेशनल प्रोफेशनल, तो किस तरीके से दोनों डिफरेंस किस तरीके से? दोनों डिफरेंट बता रहा हूँ, क्यों ओलंपिक जो होता है आपका कैसे, अभी जैसे नेशनल खेला उसने, इस लड़की ने 2-3 बार 17 साल के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकती है, ओलंपिक के लिए जाएंगे, ओलंपिक फिर ओलंपिक तक खेलेंगे, इंडिया का नाम रोशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उसके बाद जैसे आप जैसे बॉक्सिंग जैसे हो रहा है, जैसे विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खेलने के बाद विजेंद्र सिंह क्या करें, आप प्रोफेशनल में आ गया, सेम दैट सेम लाइक सेम थिंकिंग यही भी है इसको, क्या करते हैं यूरोप कंट्री में बाहर कंट्री में जाएंगे सब यही चलते, वहां पे ऐसे मनी माइंडेड गेम कहते हैं इसको, एवरी नाइट फाइट होता है वहां पे, करोड़ रुपए दाव पे लगते हो, एक फाइट खेलने में 1 लाख रुपए मिलते हैं आपको, सेकंड फाइट का जस्ट डबल, थर्ड फाइट में ट्रिपल, ऐसे चलते रहते हैं। खुशी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो मुथाई गेम्स चुना ये सेल्फ डिफेंस के लिए चुना या केवल स्पोर्ट्स के लिए? ये दोनों चीजें हैं, स्पोर्ट्स में भी है ये और सेल्फ डिफेंस में भी बहुत यूज आता है, तो दोनों चीज में है। चलिए, इसके लिए आप रोज कितने घंटे अभ्यास करते हैं? 2 घंटे। तो स्कूल कब जाते हैं, स्कूल से जाने के बाद या स्कूल से पहले? मैं सुबह सुबह स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापस आने के बाद मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। तो दोनों में मतलब कॉम्बिनेशन ये है कि पहले पढ़ाई और उसके बाद जो है गेम्स। हाँ। अच्छा, पेरेंट्स किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स, मम्मा ने इसमें मुझे डाला, फिर मम्मा मेरी पूरी डाइट का सब कुछ कंट्रोल करती हैं, और अगर मेरी कभी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ जाने की तो मम्मा छोड़कर आ जाती हैं, और ऐसे मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा है। श्रीराम जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इंडिया में अभी मुथाई गेम्स की क्या स्थिति है?
इंडिया में 22 स्टेट में चल रहा है, 22 स्टेट में से 16 स्टेट में तो गवर्नमेंट से पूरा मान्यता उसमें है, सब सपोर्ट है, सब कुछ है, बट राजस्थान में आपके पास नहीं है राजस्थान, बट ओलंपिक ने राजस्थान ओलंपिक ने इसको मान्यता दिया हुआ है, राजस्थान ओलंपिक से पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमारे को, बट राजस्थान से हम जो स्पोर्ट काउंसिल से हमें नहीं मिल रहा, शायद शायद दो एक साल में वो मिल भी जाएंगे। और राजस्थान में कम 17 डिस्ट्रिक्ट में, अभी इस टाइम 17 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में इसकी खिला जा रहे हैं। श्री राम जी, आप मुथाई भारतीय मुथाई संघ से भी जुड़े हुए हैं और आगामी टोक्यो ओलंपिक 2020 में कराटे की जगह मुथाई को शामिल कर लिया गया है। नहीं नहीं, तो शामिल नहीं, क्या मानते हैं कराटे जगह शामिल, कराटे है, कराटे तो है शामिल, ये डेमो शामिल किया उन्होंने, कराटे ऑलरेडी है, स्पोर्ट्स हो रहेंगे। यदि चलिए मान लेते हैं अगर ओलंपिक के लिए कुछ प्लेयर्स तैयार करने हो तो क्या हम ऐसे प्लेयर भारत की ओर से ऐसे तैयार कर सकते हैं जो ओलंपिक में जाने लायक हो? 100% जैसे अभी हालांकि अभी नेक्स्ट मई में है वर्ल्ड चैंपियनशिप, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई के लिए, वो होगा आपका बेलारूस में है, तो इसमें से राजस्थान से एक बच्चे जा रहा है, जैसे अपनी अपनी है यूनुस खान जी है, जो मिनिस्टर यूनुस खान जी, उनकी एक नॉन है, वो भी जा रहे हैं अभी, वो क्वालिफाई किया अभी जैसे, वो देन हम लोग वो बच्चे वहाँ जाएंगे, इंडिया से टोटल 15 बच्चे जा रहे हैं बेलारूस में, उसमें से जो बच्चे बेस्ट खेलेंगे अभी जो इंडोर एशियन गेम्स होंगे जो अपनी मलेशिया में 2000 सितंबर में इस साल, तो उसमें बच्चे खेलने के लिए मौका मिलेंगे इसको, और वहाँ जो बच्चे खेलेंगे एज ए गवर्नमेंट के अंडर में खेलेंगे और गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए श्रीराम जी, ये बताइए कि ओलंपिक में कोई विशेष कैटेगरी भी मुथाई में शामिल है कि मुथाई की ये कैटेगरी ही ओलंपिक में शामिल है? नहीं, विशेष कैटेगरी कुछ भी नहीं है, 17 प्लस आपका 18 प्लस होना चाहिए आपकी, और इसमें तो भी कितने वेट कैटेगरी में लगभग होता है? इसमें आपका वेट 8 वेट तो बॉयज के होता है और 5 वेट आपका उसके होता है, गर्ल्स के होते हैं। श्रीराम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जयपुर में भी मुथाई की क्या स्थिति है? जयपुर में अभी देखा जाता है, पिछले 5 साल के पहले जब आप जयपुर मुथाई के नाम से कोई जानता भी नहीं था, यहाँ पे जयपुर के मतलब कोई बंदा मुथाई क्या होती है भी नहीं पता था, तो सिर्फ फिल्म में देखते था, भाई ये हाथ से मारना होता है, कोनी से मारना होता है, लेग मारते थे, फिल्म में लगता था ये कोई एक होगा, बट एक्चुअल जो फिल्म में जो आप स्टैंड देखते हो, जो हाथ से कोनी से एल्बो से मारते हो, सिर्फ मुथाई के अंडर में आते हैं, सिर्फ मुथाई के स्पोर्ट्स है, इसके अलावा किसी मार्शल आर्ट्स गेम में नहीं मार सकते, एल्बो जो नी एल्बो मारते हो सिर्फ मुथाई के अंडर में आते हैं। तो जयपुर में हमने क्या किया, हर स्कूल में बहुत सारे स्कूल से जो मेरे अंडर में है जयपुर के, 8-9 स्कूल से कॉलेज है, इनमें हमने जाके फ्री ऑफ ट्रेनिंग दिया, इसके बाद इनको डेवलप किया क्या होते हैं स्पेशली, तो इसके बाद टीवी में हम लोग उनको एक वीडियो बना के दिखाया मार्शल आर्ट्स क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, फिर इसके अलावा कुछ लोग हम लोग फिल्म इंडस्ट्री लोग यहाँ जब जयपुर में आते हैं, मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं, उनको हमने एज ए मोटिवेट किया, आप भी जाओगे, जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान मुथाई के लिए प्रमोट करते हैं, मेरे पास काफी देर पिछले टूर्नामेंट था, शाहरुख खान हमारे लिए प्रमोट भी किया, शाहरुख खान हो गया आपका, टाइगर श्रॉफ हो गया, वो लोग इसको प्रमोट किया, उसके बाद हमने इस वीडियो को हम लोग क्लिपिंग करके बाकी बच्चों को दिखाया, तब इससे जागरूकता और आया, फिर बच्चा अब धीरे धीरे खेलने लगे, हाँ लगने ये रियल गेम है, जो अपन देखने चाहता जो अपन करने चाहता टीवी में देखते हो सेम एक्चुअल वही गेम है, तो अब काफी लोग 90% लोग अब तो धीरे धीरे इसको। खुशी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह साक्षी मलिक ने अभी हाल ही में ओलंपिक जीता, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में पदक जीता और साइना नेहवाल, जिस तरीके से बच्चियां एक साथ एक कर करके पायदान चढ़ रही हैं, वहीं मुथाई जैसे गेम को अभी भारत में इतनी पॉपुलरिटी हासिल नहीं है, फिर भी आपका सपना क्या है? मेरा सपना अभी तो ओलंपिक में ही जाना है, बट मेरी एज लेवल के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। खुशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि खुशी आगे ओलंपिक में जाए और ओलंपिक में पदक जीतकर जयपुर का नाम रोशन करे।